ये क्या घी में बना रहे पूरी? क्या बात है, घी में एकदम हल्दी की सब्जी खाने का मजा आ जाएगा माशाल्लाह। काजू की क्वालिटी चेक करें, काजू की साइज देखो आप, क्या बात। और विंटर्स में तो हल्दी की सब्जी जोरदार लगती है। और दूध जो डाला है इसमें, नमस्ते सत श्री अकाल, आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआओं भी याद रखोगे माशाल्लाह। हम लोग आज जोधपुर से यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर आए हैं डांडिया पास। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक यहाँ पे हाईवे पे ढाबा है, महादेव होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से ये लोग इनका ढाबा है। और यहाँ पे अभी जैसे विंटर्स है तो यहाँ पे हम लोग को, जैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं विक्रम जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हल्दी की सब्जी बहुत ज़बरदस्त है, काजू की करी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और मेन रोड पे ये लोग लोकेटेड है, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल देंगे, बिकॉज अभी जो शो कर रहा है वो भी दूसरा कर रहा है। हम लोग इनकी जो प्रॉपर जो लोकेशन आपको बता देंगे। विक्रम जी हमारे साथ में, विक्रम जी आओ, कैसे सर? बस सब ठीक है। आपने ये लोकेशन हमको बताई और हम लोग खैर सिर्फ आपके कहने पे यहाँ पे आए हैं और काफी जबरदस्त लोकेशन है यहाँ पे। आप लोग क्या पहले भी आते रहते हैं? कैसे? हाँ, आते रहते हैं, आते रहते हैं। क्वालिटी जबरदस्त है यहाँ पे? जबरदस्त है सर, एक नंबर है। मतलब ये अपने जोधपुर से कितना दूर पड़ता है? 25 से 30 किलोमीटर। 25-30 किलोमीटर। तो चलिए पूरा आपको ढाबा दिखा दें, उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर ले देंगे और फिर कैसे खाना बनाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चले विक्रम जी? जी बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इनका काउंटर यहाँ पे है। विक्रम जी हमको बता रहे थे कि यहाँ का जो डांडियावास का मामा जो मावा है वो बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी दुकान है, नहीं मावा की खूब सारे आगे आगे बहुत सारी दुकान है। जी जी, ये देखिए यहाँ का मावा, यहाँ पे हम लोग मावा भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे उनकी सेवा है पूरा, इन्होंने एकदम ये जो कार्ट है इसमें सिर्फ ये 2-3 चीज़ें रखी हुई है। आ जाए यहाँ का काउंटर है, बिस्किट और सब कुछ चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा। आ जाए चलते हैं ढाबा की तरफ। चाय भी क्या? हाँ चाय भी है, हमारे चाय भी फेमस है। चाय की तो चाय भी पी जाएंगे यार, ढाबे पे चाय पीने का मज़े ही कुछ और होता है। ये फैमिली रूम है। हाँ, पूरा फैमिली रूम है, फैमिली रूम है। आप चाहे तो यहाँ भी बैठ सकते हैं, अगर आपको बर्थडे पार्टी हो तो बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आ जाए, ये देखिए सीलिंग बहुत ज़बरदस्त है, बाहर एक खाट भी लगाते होंगे। इनका ओपन किचन का आपको दिखा दें, चलिए आपने वीडियो बनाया। और सब जो है खाना बहुत ज़बरदस्त होता है, और सबसे बड़ी बात किचन जब ओपन होता है ना तो साफ सफाई भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन पूरा इनका काउंटर किचन क्लीन है। पहले आप लोग ऑर्डर देते हैं, फिर अपन अंदर चलेंगे, हमारा खाना कैसे बनता है वो आपको दिखाएंगे। नहीं मिलेगा तो चलिए हम लोग बैठते हैं, उसके बाद चुकी है। भैया आपके यहाँ पे मेन्यू तो आपने छपाया हुआ नहीं, आपके यहाँ पे कौन कौन सी है सब्जी? सर काजू करी है, शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, मिक्स वेज, मलाई कोफ्ता, आलू छोला, चना मसाला, दाल फ्राई, सेव टमाटर, हरा प्याज, गट्टा गोभी मटर, आलू मटर, हल्दी है, हल्दी भी है और कढ़ी भी है। कढ़ी भी हो जाएगी, कढ़ी 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 भी हो जाएगी। मतलब सारी, मतलब इनके यहाँ पे सारी सब्जियाँ आपको मिल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या ऑर्डर करेंगे, इनके जो सिग्नेचर जो डिशेज है वो हम लोग ऑर्डर करेंगे। भैया जैसे अभी सर्दी का मौसम है, एक तो आप हमारे हल्दी लगा देना, एक आप वो काजू करी जो है आपकी, कौन सी वाली काजू? एक तो काजू करी आएगी, काजू दाग आएगी। काजू दाग कर देना या काजू करी कर करोगे हैं? काजू करी करा दे, एक काजू करी कर देना बस सर। और एक आप कर देना सेब टमाटर, और इसके साथ में आप लेना रोटी, और पहले 2 पापड़ लगा दो, ठीक है? मसाला पापड़ लगा, रोटी बटर बटर में लगा दो, ठीक है? चलो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, अब पहले हम लोग पापड़ खाते हैं, उसके बाद फिर अपन चलेंगे किचन में और वहाँ चल के इनका वीडियो बनाएंगे कैसे ये लोग सब्जियाँ बनाते हैं। चलिए बैठे। हाँ हाँ, तो देखिए, हाँ ये कौन सी बना रहे हो अभी? ये सेब टमाटर बना रहे हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ के किचन में आ चुके हैं, देखिए इनका पूरा जो भी इंग्रीडियंट्स है वो नीट एंड क्लीन है। देखिए ये हमारे सेब टमाटर इन्होंने तैयार कर दी है, एक तो हमारी सब्जी तैयार हो गई है, उसके बाद फिर हम लोग और दो सब्जी कौन सी बनाओगे भैया आप? काजू करी और हल्दी। क्या नाम है आपका? जीतू जी। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल का भी एक्सपीरियंस होता है। देखिए आप, और यहाँ पे इनकी सारी कटिंग रखी हुई है, ये देखिए पूरी इनकी कटिंग यहाँ पे रखी हुई है। और ऐसी जगह खाने का मज़ा भी आता है मेरे को, क्या ढाबों का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए हमारी सेव टमाटर तैयार। चलिए अब आगे देखते हैं, पूरा किचन दिखाते हैं आपको।
ये इनका, जब तक हमारी सब्जी बनती है, देखिए दूध दूध में गर्म। ये देखिए यहाँ पे तवा रोटी मिलेगी आपको, भाई साहब रोटी बना रहे हैं, क्या बात है। ये देखिए ये सोगरा भी बन जाएगा, सोगरा मिल जाएगा और सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए भाई साहब को फोटो खींचने के लिए मिलता है। ये देखिए लकड़ियों पे ये पूरी चीज़ें बनाते हैं, लकड़ियों का क्या टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और कोयले पे ये पूरा सेक देते हैं इसको। ये पूरा इनका काउंटर है, आपको पहले भी मैं दिखाया। ये देखिए पूरा इनका काउंटर है, भाई साहब ने हमारा ऑर्डर लिया था नहीं। ये देखिए, तो चलिए दूसरी सब्जी हमारी तैयार होती है, तो वहाँ चलते हैं अपन। अब क्या बना रहे भाई साहब? काजू करी बनाओ। चलो बनाओ भाई साहब। ये देखिए पहले तेल गरम करेंगे, ये क्या डाला आपने? जीरा, ये कटी हुई मिर्ची, प्याज, इसको थोड़ा भुनेंगे। थोड़ी बहुत हल्दी, धनिया, ये क्या डाला आपने? खोपड़े का बुरा था। खोपड़े का बुरा था। बोलो यार आप शर्मा क्यों रहे हो? बोल रहे हैं यार आप तो, हम लोग बाप। और हाँ क्या क्या डाले सब बोलो। मैं तो बोलूंगा, आप भी तो बोलो, मेरा तो काम है सिर्फ बोलने का। ये काजू, काजू चलेगा, क्या बात है। और एकदम खुले में इनकी है, और मिनटे से हमारे चल रहे तो खाने का मजा आने वाला। ये क्या दाग डाल दी यहाँ? ये जो ग्रेवी है किसकी? प्याज की है? नहीं, लौकी की है। अच्छा, तो विक्रम जी आपके कहने पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और आपने अगर बोला है तो आप मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। थैंक यू वेरी मच यार, आपने हमको ऐसी जगह बताई। आप यहाँ की विक्रम जी यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल। पनीर, पनीर अन्ना, देखिए आप ये पनीर पूरा ग्रेट करके इसमें डालेंगे। देखिए क्या बात है, सारी चीज़ें इन्होंने एकदम ज़बरदस्त चीज़ें इन्होंने डाली, इससे क्या टेस्ट ज़बरदस्त आने वाला है। नहीं ये क्या गरम मसाला? गरम मसाला। जब तक यार वो पापड़ तो लगा दो हमने, पापड़ रेडी हो गया भैया? ये हाँ। ये देखिए हमारी ये काजू करी तैयार है। ये देखिए ये हमारा सेब टमाटर और ये काजू करी। अब ये भाई साहब लगाएंगे हल्दी की सब्जी। चलिए अब बारी हल्दी की सब्जी की। ये क्या घी में बना रहे पूरी? क्या बात है, घी में एकदम हल्दी की सब्जी खाने का मजा आ जाएगा माशाल्लाह। हमने इतनी जगह ढाबों का खाना खाया, लेकिन सारे सबका खाना बहुत ज़बरदस्त होता है। सबसे बड़ी बात, ये लोग सारी जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो एकदम प्योर होती है, और एकदम देसी स्टाइल में ये लोग बनाते हैं, और घी तो सबका ज़बरदस्त होता है। ये देखिए प्याज चलेगा इसमें, मिर्ची चली गई, खुशबू आ रही है यार। ये लहसुन अदरक का पेस्ट होगा नहीं तो पूरा भुनेंगे ये लोग प्रॉपर्टी, ताकि बदबू बिल्कुल नहीं आए। थोड़ा बहुत खोपरे का बुरा था, धनिया, नमक और थोड़ी बहुत दही, दूध अदूर। क्या बात है यार, ये तो हल्दी की सब्जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अपने ये टेस्ट, ये जो है आपका, इसको कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गए। अच्छा यार हमारा आने नहीं हो, हम तो शौकीन आदमी है। ये तो विक्रम जी का है। अच्छा हाँ, आपका लोकेशन पहले वहाँ का शो कर रहा है। ये देखिए हल्दी, क्या बात, हल्दी का कलर चेक करें, एकदम प्योर चीज़ देखो, पूरे एकदम टॉप क्वालिटी हल्दी ये लोग लेके आए हैं।
और कलर देखें इसका, ये दूध हल्दी की खुशबू आने लग गई है। ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको बाबा ये क्या क्या नाम आपका, हाँ महादेव के ढाबे पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये महादेव के ढाबा है। मैंने इतने लोगों के ढाबे बनाए सब के बाबा रामदेव के नाम से होता है, तो बार बार वही नाम आता है, लेकिन यहाँ पे ये महादेव के नाम से इनका ढाबा है। ये पनीर और चला गया, काजू की क्वालिटी चेक करें, काजू की साइज देखो आप क्या बात। और विंटर्स में तो हल्दी की सब्जी जोरदार लगती है, और दूध इन्होंने डाला है इसमें। अब बस थोड़ी देर में ये तैयार होने वाली है, ऊपर से इन्होंने धनिया का गार्निश कर दिया है। चटपटी खाते वक्त थोड़ा मगन चटपटा आप तो शानदार बना दो, ये भी कर रहे हो। और दूध इन्होंने डाला इसमें, दूध डाल डाल के पूरा ये अच्छी तरह भूनने हैं, बिल्कुल पूरा जो भी भूनने हैं पूरा दूध में ये भूनने हैं पूरी ग्रेवी को। क्या बात है, जबरदस्त। और घी डाला इन्होंने, और सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन की जो खुशबू आ रही है ना यार, वाकई में मुंह में पानी आ रहा है। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। तैयार सब, चलिए सर। ये हमारी हल्दी की सब्जी तैयार है। हल्दी की सब्जी कितने की पड़ती है यहाँ पे? 180 रुपये। और ये जो काजू की सब्जी वो 180। और ये सेब टमाटर 70 रुपये। सेब टमाटर 70 रुपये, क्या रायता भी है सर? रायता भी इसमें। अब यार ये तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोग यही जाते हैं तो फ्राई रायता हम लोग ट्राई करते हैं। हमारे पापड़ ट्राई करते हैं पूरा, आपको मेकिंग तो हमने बता दी है। मिर्ची मेरी फेवरेट है यार, मज़ा आ गया। चलिए सब्जी का वेट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, सेव टमाटर, ये हल्दी की सब्जी जो कि पूरा दूध में बनी हुई है, दूध और देसी घी में। ये देखिए आप, सेव पनीर भी इन्होंने ग्रेट किया है। उसके बाद आप आ जाओ साहब काजू करी पर, सारी चीज़ें इन्होंने ज़बरदस्त बनाई है, और आप यकीन माने इतने कम प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। और हल्दी की सब्ज़ी तो इन्होंने पूरी दूध में भून के बनाई, और वो भी देसी घी में, क्या बात है। बस हम लोग हमारी रोटी का वेट कर रहे हैं, जब तक पकड़ो खाते हैं। बटर लगाया, देखिए पूरी गच हुई हुई है, गर्मा गर्म है। चलो ट्राई करते हैं, पहले सेव टमाटर ट्राई करते हैं। सेव टमाटर जो सब्ज़ी वो मेरी फेवरेट भी है, और सेव की जो क्वालिटी है ना वो एक नंबर है, मतलब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही इसमें। अब बारी है काजू करी की। इस प्राइस में आपको यार ये सब चीज़ दे रहे हैं तो वाकई आपको और क्या चाहिए। काजू करी भी बहुत ही लाजवाब बनी हुई है। काजू के साथ साथ में इन्होंने जो पनीर जो उसमें ग्रेट किया उसका कॉम्बिनेशन वाकई में काबिल तारीफ है। पनीर बहुत फ्रेश है और खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब बारी है हल्दी की सब्ज़ी की, और सर्दियों में हल्दी की सब्ज़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मज़ा आ गया यार, शुद्ध हल्दी शुद्ध देसी घी में वाकई में मज़ेदार।
चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मामा ट्राई करेंगे और साथ साथ के हम इनकी चाय भी ट्राई करेंगे। मुर्दा खाना था वो तो ट्राई कर लिया। अब जैसे डांडियाबाद हम लोग आए हुए तो यहाँ पे यहाँ का मावा बहुत फेमस है, तो उन लोगों ने कहा कि मावा भी ट्राई करते। देखिए मावा, देखिए मावा की क्वालिटी देखिए। अब ये है चार किलो में ये 2 किलो निकलता, नहीं 1 किलो, मतलब 4 किलो में 1 किलो, ये 4 किलो दूध में 1 किलो मावा निकलता है। जैसे ये लोग 10 किलो का अगर दूध लेते हैं तो उसमें 2.5 किलो के आसपास मावा ये बनता है। इससे क्या होता है, काफ़ी देर तक ये बनाते रहते हैं, उसको पूरा पकाते रहते हैं, पकाते पकाते पूरा, फिर ये जब पूरा ये गाढ़ा हो जाता है उसके बाद ये मावा बनता है। 10 किलो में 2.5 किलो आपको माल मिलेगा, मतलब इतना उसको पकाया जाता है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। और डांडियाबाद का तो मावा बहुत फेमस है यार, जोरदार यार, माशाल्लाह। इतना लजीज खाने के बाद में अगर ऐसा मीठा मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद यहाँ की चाय पियेंगे और फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। बहुत ज़बरदस्त था यार, अब ट्राई करते हैं चाय। सर्दी के मौसम में तो आप कितने भी चाय हमको पिला दें। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद में फिर विक्रम जी से बात करेंगे और वही वीडियो पर हम लोग ख़त्म करेंगे। लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगा विक्रम जी, आपने बहुत अच्छी जगह बताई यार, आप कब से मुझे बोल भी रहे थे। आप जेन्युइन में बताए, नहीं जेन्युइन नहीं ना, काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह। मतलब यहाँ की जो हल्दी की सब्ज़ी थी ना, जो उन्होंने जो बनाई वाकई में काफ़ी तारीफ थी। वैसे आपकी जो जगह है ना वाकई में खाने का बहुत मज़ा है। हल्दी की सब्ज़ी काफ़ी ज़बरदस्त थी, मतलब जो भी सब्जी हमने ली ना और साथ साथ में मावा और चाय के साथ में, तो और मतलब कंप्लीट आपने पूरा पैकेज आपको दे दिया। प्राइसिस बहुत चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।